हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार का स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 वालों के लिए इंग्लिश 100 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो लोग लैंग्वेज सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश चाहे या फिर हिंदी, हिंदी का भी वीडियो आएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम लोग 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। इंटरनेट पर जारी किया गया बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली है, यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, किस तरह के आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न भी पता चल जाएगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न, ग्रामर से कितने प्रश्न, सब्जेक्टिव से कितने प्रश्न, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के बुक सेक्शन से कितने प्रश्न, सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए, इस तरह के 2 से 3 वीडियो और आने वाले हैं। अगर चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का कमेंट फटाफट कीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इज सीमा टॉट बाई यू, तो इसको ये जो है ना पैसिव वॉइस में है, तो इसको एक्टिव में जो हम निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डू यू टीच सीमा। ठीक है, इसका एक्टिव हो जाएगा दोस्तों डू यू टीच सीमा। और इसी को अगर हम लोग पैसिव में बताएंगे तो इज सीमा टॉट बाय यू, क्योंकि डू लगा हुआ है ना। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे एक का ए हो जाएगा। दो नंबर है कि द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये आपका दिया गया है एक्टिव में, अब उसको पैसिव में बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट। ठीक है, वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, तो सही उत्तर यहाँ पे दो का ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस करेक्ट आंसर। तीन नंबर है दोस्तों कि मर्सिडीज कार्स डैश मेड इन जर्मनी, तो मर्सिडीज लगा हुआ ना कार्स, तो यहाँ पर आर का प्रयोग होगा, बनाया जाता है कहाँ पर, जर्मनी में, तो सही उत्तर यहाँ पर तीन का सी हो जाएगा आपका। चलिए चार नंबर देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है आप लोगों को दिस इज माई यंगर सिस्टर सी इज अ ग्रेट पेंटर, इसको कंबाइन करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, दो सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा, बोलेगा कि इसको कंबाइन कीजिए, दो फुल स्टॉप है ना, इसको आपको एक फुल स्टॉप में करना है, मतलब एक सेंटेंस में बताना है। तो कैसे बनाओगे दोस्तों, दिस इज लगा हुआ है, दिस वाज लगा हुआ है, दिस हैज लगा हुआ है, दिस विल, तो ये तीन ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाते हैं दोस्तों, बचा क्या, ये बचा आपका, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दिस इज माई यंगर सिस्टर फिर कोमा ए ग्रेट पेंटर, यंगर सिस्टर भी है और ये ग्रेट महान पेंटर भी है, तो सही उत्तर यहाँ पे चार का सी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल था। पांच नंबर है कि ही ऑफेन डैश टू डैश टू द सिनेमा बिकॉज ही लव्स मूवीज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ही गो टू नहीं, ही गोज टू लगेगा, अगर आई ऑफेन आई अगर रहता तो आई गो टू लगता, लेकिन यहाँ पे ही लगा हो तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे भर्व लगेगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही गोज, वी फाइव लगेगा ना, तो सही उत्तर यहाँ पे ही गोज, ही ऑफन गोज टू द सिनेमा बिकॉज द ही लव्स मूवीज, तो सही उत्तर यहाँ पे पाँच का सी। छः नंबर देखते हैं दोस्तों कि द सर्वेंट डैश कम व्हेन कॉल्ड, क्या बोला जा रहा है कि द सर्वेंट, यहाँ पे सभी में नोट का प्रयोग हुआ है, तो आपको क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे, द सर्वेंट डिड नोट। ठीक है, द सर्वेंट Did not come when called, तो सही उत्तर यहाँ पे छः का सी हो जाएगा, did not का प्रयोग हो। सात नंबर है दोस्तों कि we dash to love our neighbors, तो हम लोग यहाँ पे पड़ोसी से प्यार करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे we ought to, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे we ought to का प्रयोग होगा, तो सही उत्तर यहाँ पे ought का प्रीपोजिशन यहाँ पे ought मतलब लगेगा भर, तो सही उत्तर यहाँ पे अगले भर में सात का ए। चलिए आठ नंबर देखते हैं कि द गर्ल सेड डैट सी लव्ड हर मदर, चूज अ करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, ये आपका दिया गया है दोस्तों इनडायरेक्ट में, क्योंकि डेट लगा हुआ है, तो ये आपको डायरेक्ट नरेशन में बताना है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द गर्ल सेड फिर इन्वर्टेड कोबा में आई लव माई मदर। ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आठ का बी, सही उत्तर आठ का बी, ये आपका डायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। चलिए नौ नंबर देखते हैं कि इट कैन नॉट बी डिनाइड That dash will produce good results, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इट कैन नॉट बी डिनाइड डैट, यहाँ पे हो जाएगा वर्किंग सो हार्ड विल प्रोड्यूस गुड रिजल्ट, यहाँ पे वर्किंग जितना करोगे ना वर्क उतना ही गुड रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, तो सही उत्तर यहाँ पे वर्किंग सो हार्ड का प्रयोग होगा। ठीक है, वर्क सो हार्ड नहीं, वर्किंग सो हार्ड, तो सही उत्तर यहाँ पे न का ए। दस नंबर है कि ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम, तो यहाँ पे चूज द इनडायरेक्ट स्पीच, ये आपको डायरेक्ट में है मतलब डायरेक्ट नरेशन में, आपको इनडायरेक्ट नरेशन में बताना है,
तो क्या हो जाएगा, ही सेड हाउ क्रूल ऑफ हिम का, तो ये रिमार्क से बनेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो ही रिमार्क डैट इट वॉज वेरी क्रूल ऑफ हिम, ये जो आपका ऑप्शन है 10 का ए, ये राइट हो जाएगा यहाँ पे इनडायरेक्ट नरेशन में। 11 है दोस्तों, देखिए आप लोगों को बता दूँ 35 क्वेश्चन जो आप लोगों को रहने वाले हैं दोस्तों ग्रामर सेक्शन से, ठीक है, और आप लोगों को 65 नंबर जो है वो बुक सेक्शन से रहेंगे, जिसमें से आपको 25 ऑब्जेक्टिव जो है, 20 से 25 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बुक से रहेंगे, ठीक है, और बाकी सब ग्रामर से रहते हैं। तो ग्रामर भी 30 नंबर का पूछा जाता है 35 में, ठीक है। फिर आता है कि आई नीड डैश अ स्टाम्प ऑन दिस लेटर, क्या हो जाएगा, आई नीड टू पुट का प्रयोग हुआ, आई नीड टू पुट अ स्टाम्प ऑन दिस लेटर, तो सही उत्तर 11 का ये। इस तरह के और भी दो चार सेट आएंगे दोस्तों, ये सब क्वेश्चन कर रहे हैं ना डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा आप लोगों को, तो इसलिए इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन 10 से 20% जरूर पूछता है दोस्तों बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल सेट से। फिर 12 नंबर आता है कि आई एम नॉट यूज डैश ऑफ सो अर्ली, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एम नॉट यूज टू गेटिंग ऑफ सो अर्ली, तो यहाँ पे 12 का सही उत्तर डी हो जाएगा आपका। 13 नंबर है कि दे कंटिन्यूड द मीटिंग डैश 11 PM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, दे कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यू कर रहा है मीटिंग को कब तक, तो ये टिल 11 AM हो जाएगा, तो टिल का प्रयोग है यहाँ पे, तो सही उत्तर यहाँ पे 13 का ए, ठीक है। क्या लगे, दे कंटिन्यूड द मीटिंग टिल 11 PM। 14 देख लेते हैं दोस्तों कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ए 5-man कमिटी वाज फॉर्म, ये जो ऑप्शन है ना ए 5-man, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस अगर बोला ना तो ये आपका 14 का ए हो जाएगा। 15 देखते हैं कि वी एम डैश इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, वी एम एट इनरोलिंग, ठीक है, एट इनरोलिंग 10,000 मेंबर्स, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का डी। 16 देखते हैं कि वी मस्ट वेट डैश ही कम्स बैक, तो यहाँ पे वेट करने के लिए क्या लगेगा दोस्तों, यहाँ पे वी मस्ट वेट उसके बाद यहाँ पे आफ्टर ही कम्स बैक, तो यहाँ पे 16 का सही उत्तर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 16 का अनटिल हो जाएगा, आफ्टर नहीं होगा अनटिल होगा, क्योंकि वी मस्ट वेट जब तब हम लोग जब तक यहाँ पे वेट करेंगे जब वो वापस नहीं आ जाता, तो यहाँ पे अनटिल का प्रयोग होगा, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 16 का बी हो जाएगा। चलिए 17 देखते हैं कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस की अगर बात करें दोस्तों तो ये हो जाएगा 100 rupees वाज पेड टू हिम, ये जो ऑप्शन है ना 17 का सी, ये राइट है, तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए चूज द करेक्ट सेंटेंस में। फिर आता है कि आई प्रोमिस्ड डैश इट बाय फ्राइडे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आई प्रोमिस्ड टू डू इट बाय फ्राइडे, तो ये जो टू डू पर यहाँ पे ऑप्शन है ना ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, तो 18 का आई प्रोमिस्ड टू डू इट बाय फ्राइडे, तो सही उत्तर यहाँ पे 18 का सी। चलिए 19 देखते हैं दोस्तों कि सी मेड द चाइल्ड, तो यहाँ पे सी मेड द चाइल्ड का क्या होगा प्रयोग, तो ये हो जाएगा सी मेड द चाइल्ड लाफ, ठीक है, तो सही उत्तर यहाँ पे 19 का डी हो जाएगा, लाफ होगा, ठीक है। 20 है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा ही वॉज एंग्री विथ मी, ओवर मी नहीं, एट मी नहीं, अपॉन मी नहीं होगा, ये होगा आपका ही वॉज एंग्री विथ मी, तो 20 का सी आपका सी हो जाएगा। 21 देखते हैं कि ही इज वेरी बिजी डैश फॉर द जर्नी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ही इज वेरी बिजी ऑप्शन लगेगा टू प्रिपेयर फॉर दिस जर्नी, तो सही उत्तर यहाँ पे 21 का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। 22 देखते हैं कि द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज कॉल्ड, क्या है दोस्तों कि द कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स इज कॉल्ड, मतलब यहाँ पे काफ़ी सारी जिसके पास पत्नियाँ रहती है दोस्तों, बीवी रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है पॉलीगैमी, तो सही उत्तर यहाँ पे 22 का सी हो जाएगा आपका। 23 नंबर देखते हैं कि जेनी डैश टायर्ड, तो यहाँ पे जेनी क्या हो गया है, व्यस्त हो गया है, तो सही उत्तर यहाँ पे थक चुका है, तो जेनी इज टायर्ड, तो सही उत्तर यहाँ पे 23 का ए हो जाएगा। 24 देखते हैं हम लोग कि इट इज टू लेट डैश आउट ऑफ आउट फॉर डिनर, तो टू तो रिमूवल टू से यहाँ पे बना हुआ है, तो इट इज टू लेट टू गो आउट फॉर डिनर, तो सही उत्तर यहाँ पे 24 का ए हो जाएगा।
चलिए 25 देख लेते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इरिलीवेंट। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का बी, ये जो ऑप्शन है ना ये राइट है आपका। फिर आता है दोस्तों कि आई मेड डैश फॉर हर बर्थडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मेड क्या हो जाएगा दोस्तों, आई मेड केक फॉर हर डॉटर, आई मेड केक फॉर हर डॉटर फॉर हर बर्थडे। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का डी, चूज द बेस्ट ऑप्शन में। 27 है कि आई डैश टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, तो क्या करेगा दोस्तों, वो खेलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आई प्ले क्या हो जाएगा, आई प्लेइंग नहीं, आई प्ले मैं खेलता हूँ एवरी मॉर्निंग संडे को। तो सही उत्तर यहाँ पे आई प्ले टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग हो जाएगा। तो 27 का बी। 28 है कि आई थिंक आई डैश अ न्यू कैलकुलेटर, तो क्या हो जाएगा, आई थिंक आई क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे, नीड का प्रयोग, न कि नीड्स, एम नीड या फिर नीडिंग, आई थिंक आई नीड अ न्यू कैलकुलेटर। बहुत ही सिंपल था ये सिंगुलर वर्ब, ये मतलब भारू का फर्स्ट रूप लगेगा। तो सही उत्तर यहाँ पे 28 का ए सी हो जाएगा। 29 देखते हैं कि करेक्ट स्पेल्ड वर्ड बता रहा है, तो फॉरेन का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, एफ ओ आर ई आई जी एन, विदेश। तो सही उत्तर यहाँ पे 29 का ए हो जाएगा आपका। चलिए 30 देख लेते हैं कि डैश नथिंग कुड बी सेव्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली नथिंग कुड बी सेव्ड, मतलब कोई भी चीज़ सेव्ड नहीं कर पाते हैं तो दुर्भाग्य से ही होता है। तो सही उत्तर यहाँ पे 30 का डी हो जाएगा आपका। 31 है कि व्हाट डैश यू बीन डूइंग, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, व्हाट हैव यू, ठीक है, वेयर भी नहीं लगेगा, हैज भी नहीं लगेगा, डिड भी, व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्योंकि यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो भी हैज या हैव लगेगा, तो यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग, तो 31 का ए। 32 है कि डैश द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, क्या है दोस्तों, बिहाइंड द गर्ल देयर इज अ पीपल ट्री, तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का बी ऑप्शन हो जाएगा, बिहाइंड द गर्ल, गर्ल के पीछे एक वहाँ पीपल ट्री है, मतलब पीपल का वृक्ष है, तो सही उत्तर यहाँ पे 32 का बी हो जाएगा। 33 है कि देयर इज नो वन प्रेजेंट अंडर डैश ट्री, तो यहाँ पे कोई भी बोला ना कि कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो अंडर के बाद यहाँ पे क्या लगेगा दोस्तों, अंडर द ट्री, उस पेड़ के नीचे जो है कोई भी आदमी प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे देर इज नो वन प्रेजेंट अंडर द ट्री लगेगा, तो चूज द, यहाँ पे बेस्ट का आर्टिकल लगेगा द का प्रयोग। 34 है दोस्तों आपका कि ए पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ, जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको ग्रामरियन नहीं बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। तो सही उत्तर यहाँ पे 34 का डी हो जाएगा। 35 है दोस्तों, ए लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स इज कॉल्ड, एक लार्ज क्या बोला जाए कि एक लार्ज स्लीपिंग रूम विथ मैनी बेड्स, एक बड़ा रूम है सोने वाला जिसमें काफ़ी सारे बेड लगे हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं ना डॉर्मिटरी बोलते हैं, ठीक है, डॉर्मिटरी। तो सही उत्तर यहाँ पे 35 का बी, बेडरूम, हॉस्टल, बेसमेंट ये सब नहीं बोलते हैं, इसके लिए एक अलग शब्द बना हुआ है डॉर्मिटरी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ये। 36 आता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस में अगर बात करें यहाँ पे तो सी लाइव्स इन एन अपार्टमेंट हो जाएगा, तो 36 का आपका राइट आंसर ए। तो 36 क्वेश्चन जहाँ तक था दोस्तों वो आप लोगों का ग्रामर सेक्शन से था, अब आप लोगों के डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले, क्योंकि बुक सेक्शन से बदलने वाला नहीं, ग्रामर भले ही बदल जाएगा लेकिन बुक से तो आपका राइटर का नाम या फिर कुछ पूछ दिया जाए तो वो तो बदलेगा नहीं, तो वो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो आप 50 में 20 नंबर तो बुक से ला ही सकते हो, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज फोरम, कहाँ से लिया गया है, तो सिविलाइजेशन लाइन आया है तो समझिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है, तो सही उत्तर यहाँ पे 37 का सी हो जाएगा। चलिए 38 देखते हैं कि द्रोथी एल सेयर्स इज किस तरह का, ये कवि था दोस्तों द्रोथी एल सेयर्स, ये कवि का नाम है, पोएट का नाम, तो ये एक जो था ना एसेलिस्ट था, मतलब एसे लिखता था, एसेस्ट, ठीक है, एसे
निबंध लिखते थे वो, तो सही उत्तर यहाँ पे 38 का बी हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं कि भारत इज माई होम इज रिटन बाय, तो भारत इज माई होम के जो लेखक है, चैप्टर जो भारत इज माई होम है उसके लेखक कौन है दोस्तों, उसके लेखक है जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो 39 का डी। 40 है कि सीगा नोया इज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, कहाँ के थे दोस्तों ये, तो ये जापानीज के थे, तो सही उत्तर यहाँ पे 40 का से। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है सीगा नोया, तो इसको याद रख लीजिए आप, सीगा नोएगा इज अ जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर। 41 है कि चुबोकोव क्या है दोस्तों, चुबोकोव इज अ, तो चुबोकोव इज अ जो एक था ना दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है, तो ये लैंड ओनर था, ये आप लोग के बुक से है, तो सही होता है यहाँ पे 41 का सी हो जाएगा। 42 देखते हैं कि बेंजीज पेरेंट्स क्या है दोस्तों, कि बेंजीज पेरेंट्स आर नोन एज द, बेंजीज के पेरेंट का और नाम यहाँ पे क्या चीज़ के नाम से जानते थे दोस्तों लोग, तो ये जानते थे जॉनसन, तो सही होता है यहाँ पे 42 का ए हो जाएगा। 43 है आपका कि पियर एस बक वाज, पियर एस बक जो लेखक है वो कहाँ के थे, तो ये था दोस्तों अमेरिका के, तो सही उत्तर यहाँ पे 43 का डी हो जाएगा, अमेरिकन थे। 44 है कि द वेस्ट लैंड इज अ पोयम बाय, द वेस्ट लैंड जो चैप्टर है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो ये लिखा गया है आपका T.S. इलियट के द्वारा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आप लोगों के बुक से है, तो सही उत्तर 44 का बी। 45 देखते हैं कि माई लाइफ्स ब्लड डॉट डी के इज फॉरम, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया है दोस्तों, तो ये लिया गया है आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो सही उत्तर यहाँ पे 45 का डी हो जाएगा, इसी चैप्टर से ये आपका लाइन लिया गया है। 46 देखते हैं दोस्तों कि इंडियामियोन एंड हिपेरिन आर रिटेन बाय, ये जो दो है ना ये किसके द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये लिखा गया है आपका जॉन किट्स के द्वारा। बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए 47 देखते हैं हम लोग कि नर्सेज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज फ्रॉम, ये जो लाइन है आपका किस टॉपिक से लिया गया है, तो ये लिया गया है दोस्तों नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो सही उत्तर यहाँ पे 47 का सी। 48 है कि मैक फ्लेकॉन इज रिटेन बाय, ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है दोस्तों, तो ये लिखा गया है आपका जॉन ड्रेडन के द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे 48 का ए। 49 है कि बर्ट्रेंड रसेल वाज अ ब्रिटिश हिस्टोरियन मैथमेटिशियन एंड, बर्ट्रेंड रसेल जो लेखक है दोस्तों वो एक ब्रिटिश हिस्टोरियन भी था, मैथमेटिशियन भी था, और एक जो है ना फिलोसोफर भी था, तो सही उत्तर यहाँ पे 49 का डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये तीनों चीज़ था बर्ट्रेंड रसेल। फिर आता है कि 50 नंबर की द बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड द इंग्लिश टीचर आर रिटेन बाय, ये जो लिखा गया है ना किसके द्वारा लिखा गया है, दो चैप्टर लेख पुस्तक ये लिखा गया आर के नारायण के द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे 50 का ए हो जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक क्या 10 क्वेश्चन और गए हैं। When I crumble, who will remember is from, ये जो है ना लाइन किस चैप्टर से लिया गया है, When I crumble, who will remember is, देखिए किस बहुत लाइन आप लोगों को पूछा जाता है कि कहाँ से ये लिया गया है, तो ये जो लाइन है दोस्तों ये लिया गया है आपका एन एपिटाफ चैप्टर से, तो सही उत्तर यहाँ पे 51 का ए। 52 देखते हैं कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस डैश कम टू बी कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ, ये जो है दोस्तों ये क्या चीज़ है, द पिलग्रम्स प्रोग्रेस केम टू बी कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों मॉडर्न नॉवेल है, तो सही उत्तर यहाँ पे 52 का सी हो जाएगा। 53 है दोस्तों कि डैश वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो ये 53 का हो जाएगा दोस्तों, लैटिन वाज और डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, तो सही उत्तर यहाँ पे 53 का ए। 54 है दोस्तों कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेंड आर, तो ये क्या है दोस्तों, तो ये है आपका यहाँ पे क्या इपिक्स है दोस्तों, तो यहाँ पे 54 का सी हो जाएगा। चलिए 25 देख लेते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है आप लोगों को यहाँ, सॉरी 55 देख लेते हैं कि प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नोवेल रिटेन बाय, ये जो नोवेल है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों जेन ऑस्टन के द्वारा, तो सही उत्तर यहाँ पे 55 का डी हो जाएगा।
चलिए यहाँ पे 56 देख लेते हैं दोस्तों, कि डैश विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, तो ये हो जाएगा दोस्तों ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश, तो सही उत्तर यहाँ पे 56 का ए या फिर 58 का बी, ये दोनों में कन्फ्यूजन है दोस्तों। इसका सही उत्तर आप लोग बताइए कमेंट में क्या होना चाहिए, 56 का प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। 57 है कि जॉन डोने इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज डैश व्हाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी, क्या है दोस्तों कि जॉन डोने इज गोइंग टू लीव बिहाइंड हिज, क्या हो जाएगा, बिहाइंड हिज वाइफ व्हाइल गोइंग ऑन हिज अननोन जर्नी। तो सही उत्तर यहाँ पे 57 का ये बुक से है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन, कि डैश इज अ डॉक्टर ऑफ चोबोकोव, ये जो चोबोकोव का डॉक्टर क्या था, तो ये नटालिया था। तो सही उत्तर यहाँ पे 58 का बी हो जाएगा। 59 देखते हैं कि हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड, तो यहाँ पे हु वॉज नॉट राइट इन हिज हेड में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बेनजी, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे 59 का बी। 60 देख लेते हैं दोस्तों कि हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, ये जो चैप्टर है पुस्तक हाउ फ्री इज द प्रेस किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 60 का सी हो जाएगा। 60 क्वेश्चन किए हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोग को 10 से 15 क्वेश्चन जरूर पूछ देखने को मिलेंगे आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में। इस तरह के और वीडियो चाहिए 2-3 तो कमेंट कीजिए, जल्द ही लेकर आते हैं हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।